देश के 6 प्रमुख शहरों में शुरू किए गए लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आज समीक्षा करेंगे पीएम मोदी। भारत बायोटेक ने जारी किया वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल का फाइनल नतीजा, 77.8% प्रभावी है वैक्सीन। कांग्रेस नेता शशि थरूर की डिक्शनरी से निकला नया शब्द प्रोगोनोट्रॉफी, ट्विटर पर छिड़ गई बहस। दोनों डोज के बाद 98% घट जाता है मौत का खतरा, पंजाब में पुलिसकर्मियों पर किया गया अध्ययन। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की दो टोक, लद्दाख में स्थिति बहाल ना हुई तो अप्रत्याशित कदम उठा सकता है भारत। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की खास खबरें। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आज 11 बजे से लेकर 3 बजे तक वोटिंग की जाएगी। हमीरपुर में चुनावी मैदान में भाजपा से जयंती राजपूत और निषाद पार्टी से दुष्यंत सिंह आमने सामने हैं। प्रेक्षक हरीश यादव की निगरानी में चुनाव होगा। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराया जाएगा। 2 सीओ, 5 इंस्पेक्टर, सर्किल पुलिस फोर्स, महिला पुलिसकर्मी और एक प्लाटून पीएसी जवानों को तैनात किया गया है। कलेक्टर के 5 गेट सील किए गए हैं, सिर्फ मेन गेट खुला रहेगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे क्षेत्रीय पार्टियों की भी हलचल बढ़ती जा रही है। इस सिलसिले में पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब ने बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि पीस पार्टी के बिना भाजपा को हराना नामुमकिन है और हम चाहते हैं कि भाजपा की सरकार अपने मकसद में कामयाब ना हो और प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए पार्टी काम करती रहेगी। आप भी सुनिए उन्होंने अपने बयान में और क्या कुछ कहा। पीस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक समीकरण इस प्रकार है कि बिना पीस पार्टी के भाजपा को हराना नामुमकिन है। जिस प्रकार 2018 उपचुनाव में जिस समय पीस पार्टी गठबंधन का हिस्सा थी तो गोरखपुर की योगी जी की सीट हरा दी गई थी और उसके बाद सपा बसपा आरएलडी मिले, लेकिन उसके बावजूद भी गोरखपुर में भाजपा को नहीं हरा पाए। यह बहुत स्पष्ट है कि अगर अखिलेश जी वाकई में हराना चाहते हैं तो ये साथ लेकर भागीदारी की बात करना पड़ेगा। और एक चीज और है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टनरशिप के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और सभी समाज के लोग पीस पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पीस पार्टी पूरी मजबूती से प्रदेश भर में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम दे रही है और हम लोग चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार। ताजनगरी आगरा में 2 दिन से अपनी मांगों को लेकर पुलवामा हमले में शहीद हुए कौशल कुमार रावत की वीरांगना अपने परिवार के साथ धरने पर बैठी हैं। शहीद की पत्नी के धरने पर बैठने के साथ उनसे मिलने के लिए विपक्षी दलों के लोग पहुंच रहे हैं और परिवार के लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी शहीद की पत्नी से फोन कर बात की। वहीं अब जिलाधिकारी आगरा प्रभु एन सिंह भी शहीद के परिवार से मिले। शहीद के परिवार के सदस्यों से बारी बारी बात की, धरना समाप्त करने के लिए भी परिवार से अनुरोध किया, लेकिन जब हमारी टीम ने डीएम से सवाल किए तो वो आगरा बिना कुछ बताए ही निकल गए। लेकिन शहीद के परिवार का अभी भी नहीं यही कहना है कि जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो धरना स्थल से नहीं हटेंगे। अभी हम इनसे बात करते हैं। डीएम साहब यहाँ आए, क्या बातें हुई? डीएम सर आए, अभी द्वार की कह के गए हैं, स्कूल की कह के गए हैं और वो एक लाइसेंस वाली बात थी वो भी कह के गए हैं। अभी ज़मीन वाला और पैसे वाला अभी कोई क्लियर नहीं हुआ। तो क्या अपना धरना समाप्त करेंगे आप? नहीं, धरने पे तो मैं बैठूंगी, धरने पे से नहीं हटूंगी जब तक मेरे ये काम नहीं होंगे सारे। क्या बोलकर गए कि ये काम हमने कर दिए हैं या करेंगे इन कामों को? अब ये नहीं पता क्या बोलकर गए, बच्चों से बात करिए फिर उन्होंने। हमारे साथ उनके बेटे भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या बात हुई है उनकी और क्या इन्होंने अपनी मांग रखी है और क्या वो आश्वासन देकर गए हैं। क्या आश्वासन दिया सर? मुझे इस पेपर के ऊपर जो मेरी मांगे थी उनके ऊपर उन्होंने कुछ वादे लिखे हैं, जैसे कि हमारा स्कूल के नाम का था 48 घंटे में हो जाएगा जी। ये बोला गया है ग्राम प्रवेश द्वार 29 तारीख से वर्क स्टार्ट हो जाएगा, 19 तारीख से
जुलाई से वर्क स्टार्ट हो जाएगा, उन्होंने ये बोला है। अपने वर्ड्स में सिग्नेचर किया है और उन्होंने बोले लास्ट राइट करा कि लास्ट बार मैं अपनी कमिटमेंट्स दे रहा हूँ, एक तरीके से उन्होंने ये बोला है। और हमारे जो बेसिक शिक्षा विभाग का जो है उन्होंने बोला है उन्होंने बोला कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात करता हूँ उसके बारे में, क्योंकि ये मेरे बिहाफ में है नहीं, उनका ये कहना है। और हमारे जीवन यापन के लिए जो लैंड के लिए बोला है, लैंड के लिए उनका यही कहना है कि लैंड के लिए जैसे हमने उनको बोला कि हमारी और 12 फैमिलीज के साथ जो डॉक्यूमेंट्स थे वो आपको शो कर देंगे, उन्होंने हमारे कल डॉक्यूमेंट मांगे, अगर हम डॉक्यूमेंट उनको दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे इस एरिया में ज़मीन नहीं है, लेकिन उनका कहना यह है कि हम आपके लिए एक अच्छा सुंदर सा पार्क आपके पिताजी के नाम से ये कर देते हैं। मैं कहना चाहूँगा आपसे थोड़ा सा, ये जो पेपर जिस पे उन्होंने अपना मार्किंग किया जरा एक बार दिखाएं कैमरे पे थोड़ा सा, मैं दिखाना चाहूँगा ये कैमरा के सामने जो आप देख रहे हैं ये इनकी मांगे थी, और इस मांगों पर जिलाधिकारी आगरा ने अपने हैंड से सिग्नेचर करते हुए कमिटमेंट्स किए हैं कि किस किस चीज़ को वो किस किस समय में कितने कितने टाइम में पूरा कर देंगे, और लास्ट कमिटमेंट भी उन्होंने यहाँ लिखा है अपना। कहना कि बिल्कुल साफ है कि 2 घंटे 2.5 घंटे का जो दौर चला वार्ता का उस पर कुछ समाधान तो निकल कर आए हैं, लेकिन फिलहाल अभी धरना समाप्त करने की कोई चांस नहीं है। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, मैं आपसे आना चाहूंगी कि लगातार आश्वस्त तो किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, और डिप्टी सीएम ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है, तो क्या इस आश्वासन से परिवार संतुष्ट है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से कल जो भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय विधायक जो दिवाकर जहां आई थी और डिप्टी सीएम के जो फोन के माध्यम से पीड़ित परिवार की बात कराई गई थी, शहीद के परिवार की बात जो कराई गई थी, तो उस बात के दरमियान उन्होंने जो जमीन अपने लिए लेने के लिए जो मांग की गई थी परिवार के द्वारा, तो उस पर एक विवादास्पद और एक शर्मनाक बयान जो डिप्टी सीएम द्वारा दिया गया था कि शहीद के लिए जो आपकी भूमि जो मांग रहे हैं वो बहुत कीमती है, तो उसके बाद लगातार इन शहीद परिवार के अंदर रोष व्याप्त हो गया है। और अब उसके बाद में जब ये नेगेटिव जब उस पर आए हैं, तो उसके बाद से जिलाधिकारी आगरा रात को 10 बजे इनके पास पहुंचते हैं और समझाने बुझाने का प्रयास करते हैं, और धरना खत्म करने के लिए कुछ इनकी मांगों को तत्काल पूरी करने की बात भी करते हैं, लेकिन वहीं ये शहीद का परिवार जो है वो किसी भी बात को मानने से इंकार कर देता है। साफ तौर से उसका कहना है कि शहीद की शहादत को तापमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पहले डिप्टी सीएम हमसे माफी मांगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार धरने पर बैठी है वीरांगना शहीद की पत्नी, उनकी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर पूरा परिवार धरने पर बैठा है, जिनसे अधिकारी भी मिलने पहुंचे और आश्वस्त किया है कि तमाम मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। आज पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मतदान हो रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर सपा के खेमे में खलबली मच गई है, जहां समाजवादी पार्टी के पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी तेज नारायण यादव अपनी जीत का दावा कर रहे थे कि उनके पास 15 सपा के जीते सदस्य हैं, तो वही कई लोगों से संपर्क में है, लेकिन स्थिति ये आ गई है कि कुछ घंटे बाद मतदान होना है और समाजवादी पार्टी के खेमे में ही जबरदस्त अफरा तफरी मची हुई है। अपना मान सम्मान बचाने और पार्टी की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए चंदौली के पूर्व सपा सांसद राम किसुन पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। आलम यह है कि पूर्व सपा सांसद राम किसुन जिला पंचायत सदस्य को मनाने के लिए अपने उनके पैरों में गिर गए हैं, अब और सबसे अपील कर रहे हैं कि वो क्रॉस वोटिंग से बचते हुए समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को वोट दे। राम किसुन का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी की जमकर किरकिरी भी हो रही है। समाजवादी पार्टी के लिए मैं पैर पर गिर सकता हूँ, उसके मान सम्मान के लिए। हमारी पार्टी के कुछ सदस्य थे जो जिला पंचायत में वोट देने जाते थे, वो आए कार्यालय में, बहुत देर तक बैठे रहे, मैं आया, उनको भेज रहा था, उनको समझा के भेजा, कोई मांग नहीं थी, वो हैं, ये पार्टी का मामला था। अब जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के लोग इसको बताएंगे क्या मांग है क्या नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कलोट पड़ेगा। आज उस हमारे जिला पंचायत के कुछ सदस्य कार्यालय पर बैठे रहे, मुझे खबर मिली, मैं 11 बजे रात को कार्यालय पर पहुंचा, उनको समझा बुझा के भेजने के लिए प्रयास किया।
तो खबर पर मारतंड जुड़ चुके हैं। मारतंड लगातार ये देखने को मिल रहा है कि जो सपा के प्रत्याशी हैं वो ही कहीं ना कहीं इस चुनाव से बचते नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ साथ भी छोड़ा गया है सपा पार्टी का। उसके बाद रामकिशन का इस तरह का वीडियो हैरान करने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए ये जिला पंचायत अध्यक्ष का जो है आज चुनाव होना है और आज ही नतीजे आने हैं, और कल रात देर रात का ये वीडियो जो सामने आ रहा है, बताया जा रहा है ये पूर्व सांसद है समाजवादी पार्टी के, जो अपने भतीजे जो तेज नारायण यादव हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से चंदौली के लिए, उनके ये चाचा हैं और पूर्व सांसद भी हैं। वो लगातार वीडियो में दिख रहा है वो मनुहार कर रहे हैं और मनाने की कोशिश कर रहे हैं। सपा के 15 सदस्य जीते थे इस चुनाव में जो पिछले दिनों पंचायत चुनाव हुए थे, और उनको लगातार जो है समाजवादी पार्टी वहां पे अपने प्रत्याशी के जीतने का अध्यक्ष पद पे अपना दावा पेश करती रही और जीतने का दावा करती रही है। लेकिन ये जो तस्वीर सामने आ रही है इसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से खलबली है, किस तरीके से बेचैनी है, वो भी नतीजे आने के चंद घंटे पहले। अभी वोटिंग होगी, थोड़ी देर बाद वोटिंग शुरू होगी, उसके बाद नतीजे आएंगे, उसके पहले जिस तरीके की ये बेचैनी दिख रही है वो साफ तरह से दर्शाती है कि किस तरीके से खलबली मची हुई है। और एक आपको बात बता दें कि 15 जिला पंचायत सदस्य जिसको समाजवादी पार्टी का दावा था कि उनके सदस्य हैं वो चुनाव जीते हैं, उसमें से 5 से अधिक सदस्य लापता बताए गए हैं। वो जो लापता सदस्य हैं उन्होंने ही बेचैनी बढ़ा दी है, और क्रॉस वोटिंग का डर समाजवादी पार्टी को सता रहा है। और जो ये पूर्व सांसद है रामकिशन, वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते और राजनीति में हर तरीके का हथकंडे अपनाए जाते हैं। और ये भी देखा गया कि जिस तरह से जिला पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी के कई पंचायत में सदस्य नहीं उतरे, जिससे निर्विरोध कहीं ना कहीं भाजपा की जीत हुई, उससे भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बौखलाए हुए, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि छटनी का काम भी वो कर किया जाएगा नतीजा आने के बाद। देखिए पहले दौर में 7 जो है जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध हुए थे, उसके बाद ये संख्या बढ़कर 22 हो गई। 22 में से 1 समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष था और बाकी 21 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के थे। इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पेशानी पे बल जरूर पड़ेगा, क्योंकि कुछ समय बाद जो है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, और ये एक ट्रायल था जो है विधानसभा चुनाव के पहले का, जिसको हम एक तरह से प्री प्रिपरेशन इलेक्शन कह सकते हैं, उस तरीके का माहौल था। और अखिलेश यादव ने साफ तौर पर दर्शा दिया, और कई जिले ऐसे थे जहां पे उन्होंने जिला अध्यक्षों को अपनी पार्टी से निकाल दिया। उसका साफ संदेश, अखिलेश यादव का साफ संदेश था कि वो जो भी लोग जो कि अंदर खाने रह के पार्टी में और पार्टी को का नुकसान करेंगे और क्रॉस वोटिंग के लिए लोगों को उकसाएंगे या प्रेरित करेंगे, ऐसे लोगों को पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और समाजवादी पार्टी लगातार दावा करती रही थी पंचायत चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा उसके सदस्य जीते हैं, लेकिन जब नतीजे आए जो 22 जगहों पर निर्विरोध चुने गए उसमें से 21 भारतीय जनता पार्टी के थे, और वहां पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना दाखिल भी नहीं किया था, नामांकन नहीं दाखिल किया था, जिसके बाद अखिलेश यादव लगातार एक्शन में रहे। उन्होंने 11 जिलों में अपने जिला अध्यक्षों तक को हटा दिया था। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जरूर इस समय जो है थोड़ी परेशानी में है और चिंतित है कि, और ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर सकती है कि किस तरीके की चिंता है पार्टी के अंदर, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं पूर्व सपा सांसद का ये वीडियो हैरान करने वाला है। हालांकि हैरान से ज्यादा इसको देखकर ये पता चल रहा है कि किस तरह से सपा में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल काफी ज्यादा पैदा हो गई, जिस तरह से कई जगहों पर भाजपा की निर्विरोध जीत हुई, इससे भी अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं, और उन्होंने लगातार कहा है कि नतीजे आने के बाद वो फैसला लेंगे कि किसे शामिल किया जाए, किसे रखा जाए, किसे नहीं। वहीं अलीगढ़ के ग्लास इलाके में सब्जी व्यापारियों ने अर्धनग्न अवस्था में जमकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन गल्ला आढ़तियों से कब्जा हटाने की नाकाम कोशिश के बाद किया जा रहा है। सब्जी व्यापारियों ने आरोप लगाया कि मंडी समिति गल्ला आढ़तियों से मिलीभगत कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। कहा गया है कि सब्जी व्यापारियों को अपनी आढ़त मंडी के बाहर लगानी पड़ी, जगह ना मिलने से किसानों भी मंडी में सब्जी लेकर नहीं आ रहे। हंगामे के दौरान मंडी प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने सब्जी आढ़तियों से बात की और समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। समस्या ये है, सब सब्जी मंडी पर गल्ले वालों का कब्जा है, ये हर सीजन पे कब्जा कर लेते हैं। यहाँ सब्जी वालों को सब्जी नहीं बेचने देते, यहाँ सब और लंबे समय से 15 साल हो गए मैं यहाँ मंडी चलाते, और यहाँ सब जब जब गल्ला की गल्ले का सीजन आता है और गल्ले वाले को कब्जा कर लेते हैं, मंडी वाले करा देते हैं सब्जी वाले। मेरा नाम युगेंद्र शर्मा है, मैं ग्लास का रहने वाला हूँ। हम लंबे समय से यह सब्जी की हमारी आदत है, हम यह 25-26 आढ़तियाँ हैं,
और हमको यहाँ परेशान किया जा रहा है आए दिन। यहाँ सब्जी मंडी की हमारी जो दुकान है वहाँ सामने का नाम गला भरा जाता है, और जो भी हमारे जो लाइसेंस हैं जिनकी जिनकी आदत सब्जी की है वहाँ पर गले के लोगों को दुकान बेच दी गई है। और यहाँ आए दिन अब जो बाजार सीजन चल रहा है हम लोग इतने परेशान हो गए हैं कि पैर रखने के लिए जगह नहीं है, और बाजरा इतना आ रहा है और बाजरा गले मंडी में न जा करके सब्जी मंडी में खिलाया जा रहा है। देश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मतदान हो रहा है। भाजपा सहित विपक्षी पार्टियां एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं। 11 बजे से शुरू होकर मतदान 3 बजे तक चलेगा। चुनाव को देखते हुए पोलिंग बूथ पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पुलिस की कड़ी निगरानी में पोलिंग बूथ में मतदान को कराया जाएगा। सभी की निगाहें आज पंचायत मतदान पर ही टिकी हुई है। चुनाव है जिसमें 84 वोटर्स जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो इसमें वोटिंग करेंगे। हमारे द्वारा पूरे जनपद में इसको लेकर कड़ी निगरानी की जा रही है। जो जिला पंचायत सदस्य हैं उन पर उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पूरे जनपद में जो आने जाने वाले रास्ते हैं उन पर पेट्रोलिंग रहेगी, उन पर पिकेटिंग रहेगी, ताकि कोई किसी के साथ सुरक्षा के हिसाब से किसी के साथ कोई घटना ना हो। जो हमारा कैंपस है नेहरू हॉल में जहाँ वोटिंग होगी उसके आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, और 3-स्तरीय जो सुरक्षा सिस्टम है उसे लागू किया गया है। जहाँ वोटिंग होगी वहाँ पर उसके बाहर पुलिस फोर्स रहेगा, बीच में पुलिस फोर्स रहेगा, और आउट शाहजहांपुर के तिलहर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में 4 लोगों ने महिला से मारपीट की। मारपीट के मामले में जानकारी मिली कि जमीन विवाद में 4 भाइयों ने मिलकर अपनी बुआ के खिलाफ प्लानिंग की और संपत्ति हड़पने के लिए उनके साथ मारपीट की। इसके बाद पीड़ित न्याय की गुहार लगाने के लिए पुलिस के पास पहुंची। तो न्याय पाने के लिए पीड़िता थाने पहुंची। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मारपीट की जा रही है, पेट से बांधकर। बता दें कि बुआ की संपत्ति हड़पने के लिए इस तरह का कृत्य किया गया। मारपीट की गई, न्याय सामान फेंका गया और घर से बाहर कहीं ना कहीं ये सब चीजें कृत्य किया गया, मारपीट भी की गई। शाहजहांपुर का ये पूरा मामला है। मैं इस खबर पर आरेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। आरेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी ये जो विवाद है इसको लेकर क्या कुछ अभी सामने आ पा रहा है। जी, जिस तरीके से ये प्रकरण है जो सामने आया है जिसमें 4 भाई आपस में मारपीट कर रहे हैं, और ये मामला जो है तिलहर थाना क्षेत्र के ब्लॉक गेट काशीराम कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहाँ एक बुआ के जो भतीजे हैं 4 भाई हैं जो वो उनकी जमीन जो है वो हड़पने को षड्यंत्र रच रहे हैं आपस में मारपीट कर, और उनको दबाव बना रहे हैं कि आपने जो हमारे साथ मारपीट की है, जबकि इसमें साफ तौर से नजर आ रहा है कि सामने वाले जो 4 भाई हैं वो आपस में विवाद कर रहे हैं, और घर में घुस कर के बुआ जी के उनके अपनी सगी बुआ के घर में घुस कर जिस तरीके से उन्होंने जो सामान घरेलू सामान जो बाहर फेंका है उस तरीके से साबित होता है कि जो दबंगों का संरक्षण है वो इस तरीके से कि घर से बेघर बुआ को अपने करने के लिए है, जबकि बुआ ने कुछ समय पहले अपने माँ बाप को भी खो दिया था। बुआ जो है उनकी वो अपने एक छोटी सिस्टर के साथ और एक भतीजे के साथ घर पे अकेली रह रही है काफी दिनों से। बहुत बहुत शुक्रिया आरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो न्याय पाने के लिए अब पीड़िता ने पुलिस पे शिकायत दर्ज कराई है। देखना है मुगल की पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज इलाके में एक मकान में संचालित हो रहे एक निजी प्रतिष्ठान में वित्त मंत्रालय के सहायक आयुक्त ने छापेमारी की। बता दें कि वाराणसी जीएसटी की टीम को एक निजी कंपनी द्वारा प्रदेश से बाहर गल्ले की सप्लाई के दौरान कच्चे बिल का प्रयोग करने और चोरी की सूचना मिली थी। वहीं छापेमारी के दौरान मौके से कंपनी के कर्मचारी फरार हो गए। जांच के दौरान टीम ने ऑफिस से कंप्यूटर से रिकॉर्ड को खंगाला। अधिकारी ने जानकारी दी है कि गल्ले का सप्लाई, कच्चे बिल का प्रयोग, नगद लेन देन व स्टेट से बाहर सामान भेजने की सूचना मिली। इस दौरान जीएसटी की बड़ी रकम की चोरी की आशंका है जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा है। छापेमारी के बाद जांच के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। राजधानी लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर बढ़ता ही जा रहा है। लगातार सड़क हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा मामला
थाना हसनगंज क्षेत्र के पक्के पुल के पास का है, जहां तेज रफ्तार बस डिवाइडर से टकरा गई। बता दें कि बस यात्रियों से भरी हुई थी। बस में सवार 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं मौका देखते ही बस ड्राइवर फरार हो गया। लोगों की सूचना मिलते ही पुलिस अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। कहाँ से? बारात से आ रहे थे। तो आपकी बस जा कहाँ रही थी? रोल नगर जा रही थी बस। अच्छा, इसमें और लोगों को आपके अलावा भी चोटें आई किसी को? बस ड्राइवर भाग गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।